नमस्कार। भारत के कई फैशन ब्रांड्स का नाम, भारत की कुछ सड़कों का नाम, कई रियल एस्टेट डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स का नाम, यहाँ तक कि कई स्कूल कॉलेजेस और कुछ एक्ट्रेसेस और वीआईपीस का नाम, एक ऐसी लेडी का नाम जो एक समय भारत की सबसे अमीर लेडी थी, जिसको भारत के सबसे बड़े राज्य के राजा पाना चाहते थे और जो खुद बाद में भगवान बुद्ध की शरण में चली गई। आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित आपको सुनाऊंगा उस लेडी की कहानी। वो थी मिस्ट्री गर्ल आम्रपाली। आम्रपाली का जन्म आज के बिहार के वैशाली में हुआ था। कुछ सोर्सेज में अम्बापाली और अम्बापालिका भी कही जाने वाली आम्रपाली 500 BC के आसपास पैदा हुई थी। वैशाली लिच्छावी राज्य की राजधानी थी, जो उस समय भी एक रिपब्लिक था। बेहद सुंदर होने के कारण वो जल्दी लोकप्रिय हुई। बाद में चल के उनकी शादी उनके बचपन के साथी पुष्प कुमार से तय हो गई, पर वैशाली के राजा मनुदेव को इस बात से जलन हुई और शादी के दिन ही उसने पुष्पक कुमार को मरवा डाला। इसके बाद उन्होंने आम्रपाली को दरबार में बुलाया और वहीं पर रहने का आदेश दिया। आम्रपाली के पास कोई और चारा नहीं बचा, वो वहां रहती, नृत्य करती और राजा मनुदेव उनको हीरे जवाहरात और अशर्फियां भेंट करते रहते। इन सब बातों ने आम्रपाली को आसपास के राज्यों में भी फेमस कर दिया था। इनमें से एक था वैशाली का सबसे ताकतवर पड़ोसी राज्य मगध। मगध के राजा थे राजा बिंबिसार। उस समय पाटलिपुत्र नहीं बल्कि राजगीर थी बिंबिसार की राजधानी। बिंबिसार ने यह निर्णय कर लिया था कि वो वैशाली पर हमला करके आम्रपाली को मगध लेकर आएंगे। मगध के राजा बिंबिसार ने वैशाली पर हमला कर दिया। वो जानते थे कि आम्रपाली कहाँ रहती है, तो वो एक सैनिक का भेष बनाकर उसके पास चले गए। कई दिन उनके साथ मुलाकात होती रही, लेकिन जैसे ही आम्रपाली को सच्चाई पता चली तो उन्होंने बिंबिसार को जाने को कहा। बिंबिसार ने कुछ शराफत दिखाई और वहां से चले गए। लेकिन कुछ ही समय में बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने उनको मार डाला और राज्य पर कब्जा कर लिया। अजातशत्रु वैसे तो वैशाली के कोई दुश्मन नहीं थे, लेकिन वो अपने राज्य को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। मगध हम सब जानते हैं कि बाद में इतना फैला कि भारत के बड़े से बड़े साम्राज्य वहां से आए। अब अजातशत्रु ने वैशाली पर हमला करा और पूरी तरह से उसको जला दिया। आम्रपाली बच गई। उनको लगा कि ये एक हादसा था और शायद इसमें किसी की गलती नहीं है। शुरू में वो अजातशत्रु को नहीं समझ पाई, लेकिन जैसे ही आम्रपाली को सच समझ आया तो उनको बहुत निराशा हुई। उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि वो किसी भी राजा या बड़े अधिकारी से कोई भी अब उम्मीद नहीं रखेंगे। निराश आम्रपाली को ये नहीं पता था कि उनकी कुछ ही दिनों में भेंट होगी स्वयं भगवान बुद्ध के साथ। ये समय था भगवान बुद्ध का, जो धरती पर अवतरित थे। भगवान बुद्ध उन दिनों वैशाली में ही थे और आम्रपाली उनका प्रवचन सुनने के लिए गई। चमत्कार कहें या चांस, लेकिन उनको बुद्धा से बात करने का एक मौका मिला, जहां उन्होंने उनको अपने घर दावत का निमंत्रण दिया। भगवान बुद्ध मान गए। और भी कई राजकुमारों और बड़े अधिकारियों ने उनको निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान बुद्ध ने उन सबको मना कर दिया। वो जानते थे कि बाकी सब जहां अपना वर्चस्व और सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, वहीं आम्रपाली निस्वार्थ भाव से उन्हें आने को कह रही थी। तय दिन पर आम्रपाली ने घर की सजावट भव्य रूप से करी थी। भगवान बुद्ध वहां पर आए और उन्होंने फिर भोजन किया। बुद्ध के खाना खाते ही आम्रपाली ने उन्हें अपनी पूरी संपत्ति और जमीन भेंट कर दी। इसके साथ ही उन्होंने कुछ दिनों में बौद्ध धर्म को भी अपना लिया। इतना ही नहीं, वो आगे जाकर बुद्धिज्म के संघ से जुड़ी और सोशल वर्क में भी एक बड़ा नाम बन के आई। आम्रपाली का अंत कैसे हुआ ये कोई रिकॉर्ड हमें नहीं बताते। वो कहाँ, कैसे, किस तरह मरी ये किसी को नहीं पता। किस शहर में भी मरी, किसके साथ थी वो, ये बताना भी बेहद मुश्किल है। लेकिन हमें इतना पता है कि वो अच्छी संगति में थी और स्वयं भगवान बुद्ध के आशीर्वाद में थी। ऐसे ही और दिलचस्प कहानियाँ हम आपको बताएंगे हमारे अगले एपिसोड में। जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं करा है, आप ज़रूर करें, जिससे आपको आने वाली कहानियों के नोटिफिकेशन मिलते रहें।
लौट के मैं आता हूँ बहुत जल्द एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।